हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का हीट चैप्टर, लेकिन उससे पहले जरा मोटूलाल और चीकू की कहानी देख ली जाए। अरे बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठंडी ठंडी लस्सी पीता हूँ और सो जाता हूँ। अरे वाह, लस्सी तो मैंने रख ली है अपने पास, जाकर फटाफट तकिया ले आता हूँ, फिर आराम से सोफे पर सोऊंगा। अरे अरे मोटूलाल के बच्चे, कहाँ हो तुम? खेलने नहीं आए तुम? इतनी भरी गर्मी में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कितनी देर से। कहाँ गया ये मोटूलाल? ये तो है ही नहीं। अरे टेबल पे लस्सी रखी है, जरूर ये इस लस्सी को पीकर सोने वाला होगा। मैं इस लस्सी को गरम गरम दूध से बदल देता हूँ, तब पता चलेगा इस मोटूलाल के बच्चे को। अरे ये तो बहुत गर्म है, आखिर ये ठंडी ठंडी लस्सी एकदम से इतनी गर्म कैसे हो गई? जरूर किसी ना किसी की बदमाशी है। अरे मोटूलाल, आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये ठंडी लस्सी नहीं गरम गरम दूध है? चीकू बहुत ही सिंपल है, मैंने इसे छूकर पता लगा लिया। लेकिन अगर तुम क्लास सेवन हीट का चैप्टर पढ़ोगे तो मन्नू भैया से और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जान जाओगे। मैं भी अभी वही करने वाला था, उसके बाद मैं तकिया लगा कर सो जाता। चलो दोनों मिलकर एक बार इस चैप्टर को देख लेते हैं। हॉट एंड कोल्ड, कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है, यह हमें कैसे पता चलेगा? बाय इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को जानने के लिए हम लोगों को उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब टेम्परेचर कैसे मेजर करा जाता है? टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग थर्मामीटर की हेल्प से। अब ये थर्मामीटर्स आपने ज़रूर अपने घर के अंदर या डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर देखे होंगे, लेकिन इनका डॉक्टर इस्तेमाल कब करता है? जब डॉक्टर को ये लगता है कि आपको फीवर है, या फिर घर में आपकी मम्मी को या पापा को ये लगता है कि आपको फीवर है, तब। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मेजर किस तरीके से करते हैं? हमें पता चला कि मेजर तो हम लोग थर्मोमीटर से करते हैं, लेकिन थर्मोमीटर्स भी टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरे होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं इनको हम लोग हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं, और इनको इस्तेमाल करा जाता है फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस। ये जो थर्मोमीटर होते हैं इनकी रेंज होती है फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ पर यूज़ होता है, इन डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल, और टेम्परेचर का रेंज क्या होता है इनका, बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। ये वाले थर्मोमीटर लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए, इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनकी जो रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप इतनी -10 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर कोई चीज़ ठंडी है तो उसका टेम्परेचर भी नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, इवन 110 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म है, उसका भी आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। अब देखो जो थर्मोमीटर होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, दिस इज़ फॉर बोथ क्लिनिकल हो या फिर आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो। तो यहाँ पर सबसे आगे क्या होता है, बल्ब, उसके बाद मरकरी, उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक ट्यूब, ठीक है। अब इस ट्यूब के बाद ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं थर्मोमीटर के ऊपर, देखो ये मार्किंग करी हुई है थर्मोमीटर के ऊपर। अब जहाँ पर ये रेड कलर का एक मार्क होता है वो आएगा, वैसे ही हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। और ये जो डिजिटल वाले थर्मोमीटर होते हैं इन पे तो डायरेक्टली नंबर लिखा हुआ आ जाता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। अब थर्मोमीटर को रीड कैसे करना है, देखो फर्स्टली हमें थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश कर लेना है। सर ऐसा क्यों करना है? देखो वॉश इसलिए करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका ही आपको फीवर है और आपका ही थर्मोमीटर किसी और पर्सन को दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए। अब जो भी इस थर्मोमीटर के ऊपर बैक्टीरिया होंगे वो दूसरे पर्सन के भी माउथ के अंदर जाएंगे और वो भी बीमार हो जाएगा। इस वजह से सजेस्ट करा जाता है कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर थर्मोमीटर को रखें। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर थर्मोमीटर को क्या करें, आप जर्क्स दें। जर्क का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स को जनरली जब भी वो थर्मोमीटर लेते हैं क्या करते हैं, यूं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाए। सो ये जो जर्क है, जर्क का मतलब होता है झटके देना, तो वो झटके देते हैं। नेक्स्ट है जो थर्मोमीटर है उसको आप लोग माउथ के अंदर पुट करें और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करें टेम्परेचर निकाल कर ही थर्मोमीटर को। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का जो रहना चाहिए वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
द टू मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स इन टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो जनरली आपको किसी का भी अगर किसी को फीवर हुआ है तो आपको ये सुनने को मिलेगा, या तो टेम्परेचर ये बता रहा होगा वो पर्सन के मेरे को इतने डिग्री सेल्सियस का फीवर हुआ है या फिर मुझे इतने डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर हुआ है। जनरली इंडिया के अंदर टेम्परेचर को किस में हम लोग मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। ये देखो फ़ारेनहाइट नीचे दे रखा है और सेल्सियस ऊपर। कहीं जो वेस्ट वाली जगह हो गई, अमेरिका वगैरह हो गए, लंदन वगैरह हो गए, वहाँ पर सेल्सियस में ही बताया जाता है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, क्लिनिकल थर्मोमीटर ही नहीं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए भी। एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करें, ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ ना करें। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। कहीं पर भी आग जल रही हो वहाँ पर थर्मोमीटर को ना रखें, या फिर सन की रोशनी के अंदर ना रखें। उससे क्या होगा कि थर्मोमीटर आपका ब्रेक हो जाएगा। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। आखिर हीट ट्रांसफर कैसे होती है? कभी भी हीट किसी गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लोहे की यानी कि आयरन रॉड ली, उसको एक साइड से हीट करा विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल। जब ये आयरन रॉड गर्म होने लगी तो हीट इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होने लगी जहाँ से हमने इसे पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट, और इसी प्रोसेस को हमने बोला है कंडक्शन। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंडक्शन शो करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। तो यहीं पर आते हैं हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो वाले मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारे मेटल्स जो हैं, यहाँ तक कि कोई भी मेटल आप ले लो, वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये 5 एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर के। अब इन्हें गुड कंडक्टर भी बोलते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स को हम लोग बैड कंडक्टर्स भी बोलते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। बट अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो, इसलिए आपको वर्ड यूज़ करना है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, इंसुलेटर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा। इसके बाद आता है कन्वेंशन एंड रेडिएशन। समझते हैं एक एक करके। कभी भी अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है लिक्विड या गैसेस के अंदर, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशन को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, कैसे हीट जो अर्थ में थी वो ट्रांसफ़र हो रही है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऊपर क्या है, एयर है, सो दिस इज़ नोन एज कन्वेंशन। अच्छा, रेडिएशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम। इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जब भी रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे यहाँ पर सन है, सन की जो हीट है इट इज़ रेडिएशन। ये कहाँ से आ रही है, सूरज से सीधे अर्थ के पास आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सन की रेज को बोलते हैं रेडिएशन। अब आता है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब क्या होता है, मतलब समुंदर की हवा। सी ब्रीज का तो मतलब यही हुआ, लेकिन ये सी ब्रीज साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, देखो जब भी विंड ब्लो करती हैं
फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, उसे ही हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। अच्छा, ऐसा कब होता है कि विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ फ्लो कब करती हैं? ड्यूरिंग डे टाइम, सुबह के समय। ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिकॉज जो हमारा ये वाटर है, जहाँ पर सी है वहाँ पर ठंडी हवा होती है और हमारे लैंड के ऊपर गर्म हवा होती है। तो अब आपको पता है कि हॉट एयर ऑलवेज स्टेज अप और कोल्ड एयर ऑलवेज स्टेज डाउन। तो ये जो ठंडी हवा है ये नीचे की तरफ आ रही होती है और जो हॉट एयर ये होती है ये समुंदर के ऊपर जा रही होती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू सन्स रेडिएशन। द सी ऑल्सो गेट्स हीटेड, हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू हीटेड अप द लैंड, हैंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अबव एज इट इज़ लाइटर एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बींग हैवियर टेक्स इट्स प्लेस, दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज। तो सी ब्रीज के अंदर सिंपली क्या होता है? द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और क्या बोलेंगे हम लोग? ये लास्ट वाला हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है हवाओं का। अब फिर आती है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग नाइट टाइम। अच्छा, लैंड ब्रीज के अंदर क्या हो रहा होता है? द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, और इसे ही हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। कहाँ से कहाँ पर विंड फ्लो कर रही है? फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स सी, ठीक है, लैंड से मतलब ज़मीन से समुंदर की तरफ ये विंड जा रही है। देखो, हॉट एयर थी यहाँ पर, हॉट एयर को किसने रिप्लेस करा? कोल्ड एयर ने। ये कोल्ड एयर आ गई हॉट एयर की जगह और हॉट एयर अब कोल्ड एयर वाली की जगह पर चली गई। तो इसी तरीके से यहाँ ऊपर हुआ था, ऐसा ही यहाँ हुआ था। लेकिन सर इसको याद कैसे रखें? लैंड ब्रीज देखो हमेशा नाइट टाइम में होती है, सी ब्रीज हमेशा मॉर्निंग टाइम में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर विंड कहाँ से ब्लो कर रही थी? फ्रॉम सी। यहाँ पर विंड कहाँ से ब्लो कर रही थी? फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी। तो यही हमारा होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का एग्जाम्पल और कंसेप्ट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर एंड समर। देखो, जो भी डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से हमें डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर के अंदर पहनने चाहिए, सर्दियों के अंदर पहनने चाहिए। और जो भी क्लोथ्स लाइट कलर के होते हैं, थोड़ा सा हल्का कलर होता है उनका, वो क्या करते हैं? ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से लाइट कलर के क्लोथ्स हमें गर्मियों के अंदर पहनने चाहिए। वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे आर मोर कम्फर्टेबल। अच्छा, जो वुलन क्लोथ्स हैं ये हमें गर्म कैसे रखते हैं? जो वुलन क्लोथ्स हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इस वजह से ये अलाउ नहीं करते हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी टू मूव आउट इन द एनवायरमेंट। हीट हमारी बॉडी से बाहर जाए, एनवायरमेंट के अंदर जाए, ये होने ही नहीं देते वुलन क्लोथ्स। इस वजह से हमें गर्मी लगती रहती है। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लोथ्स एंड अवर बॉडी becomes hot and this makes us feel warm. तो इसी वजह से हमें warm feel होता है because woolen cloth से बाहर हवा नहीं जा पाती, लेकिन cotton cloth से बाहर चली जाती है, इसीलिए हम लोग cotton clothes गर्मियों में पहनते हैं। अब आपके लिए एक homework का question, देखो, why are handles of utensils made up of plastic? अब ये जो plastic है, plastic क्या है? It is a bad conductor. Bad conductor है ये जो plastic, इसको क्यों लगाया जाता है on the handles of pan? तवा, तवा के बैक में देखा होगा आपके, कोई पैन होगा, कढ़ाई होगी, उसके बैक में आपने ज़रूर ऐसे देखे होंगे। तो इनको क्यों लगाया जाता है? अब एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर, मतलब इनसे बैड कंडक्टर्स हैं। बट पूरा आपको रीज़न स्पेसिफाई करना है और ये होमवर्क करके आपको मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना है। यहीं पर बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर, मतलब कि आपको स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं इस चैप्टर के सैम्पल पेपर के अंदर साथ में, या फिर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। ये तीनों चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।